जनवरी 1995, दक्षिण अफ्रीका का पिट्रोरिया का अट्रेविला इलाका। यहाँ जंगल में मवेशी चरा रहे एक चरवाहे को एक महिला की लाश मिलती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है और सबकी शिनाख्त में जुट जाती है। यह 27 साल की स्थानीय श्वेत महिला ब्योटेक नुकू सोका कसब था। सोका की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अश्वेत महिलाओं की लाशें मिलने का सिलसिला शुरू होता है और जनवरी से अप्रैल तक 5 महिलाओं के शव पुलिस को और मिलते हैं। सभी महिलाओं को एक ही पैटर्न से मारा गया था। पहले उनका बलात्कार किया जाता, फिर किसी कपड़े से गला घोटकर उन्हें मार दिया जाता। जुर्म की दुनिया में बात होगी दक्षिण अफ्रीका के ऐसे सीरियल किलर की, जिसने महज एक साल में 38 महिलाओं की आबरू को लूटा और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। वह बाद में पीड़ितों के परिवारों को फ़ोन करता और अपनी हैवानियत की दास्तां सुनाता। देश में इतना खौफ हो गया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए लोगों से सार्वजनिक सहायता मांगी और उस जिले का दौरा भी किया जहां इस अपराध को अंजाम दिया गया था। इस कातिल के गुनाहों के लिए इसे 2410 सालों की सज़ा सुनाई गई। इस प्रोलिफिक सीरियल किलर का नाम मोसे सिथोल था, जिसे दक्षिण अफ्रीका का टेड बंडी भी कहा जाता है। मोसे सिथोल का जन्म 1964 में बॉक्सबर्ग के पास सिमोन और सेफी सिथोल के 5 बच्चों में से एक के रूप में हुआ था। उसके पिता की मृत्यु के बाद गरीबी बढ़ गई थी और उसकी माँ सोफा बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ होने के कारण उन्हें एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में छोड़ देती है। उन्हें पुलिस ऑफिसर्स ने एक अनाथालय में रखवा दिया, लेकिन अनाथालय में दुर्व्यवहार के कारण सिथोल को 3 साल बाद वहाँ से भागना पड़ा। जोहान्सबर्ग में सोने की खदान में काम करने से पहले उसने अपने बड़े भाई के यहाँ आश्रय लिया। सिथोल कम उम्र में ही यौन रूप से एक्टिव हो गया था, लेकिन उसके संबंध बहुत कम समय के लिए होते थे। यह अनुमान लगाया गया कि उसकी माँ द्वारा अपने बच्चों को छोड़ देने की वजह से महिलाओं के प्रति उसमें आक्रामक रवैया एक कारण हो सकता है। यह भी बात बताया गया कि उसने अपनी कुछ बलात्कार पीड़ितों को अपनी पिछली प्रेमिका के हाथों बुरे अनुभवों के बारे में बताया करता था। उसने अपने अधिकांश पीड़ितों को नौकरी का लोभ देकर फंसाया था और उन्हें दिन के उजाले में ही मारा करता था। उसकी सामाजिक सहजता और बुद्धिमान व्यवहार ने क्रूर हमलों के तार को और भी अधिक भयानक बना दिया और अंततः उस पर 38 हत्याएं और 40 बलात्कार के आरोप लगाए गए। उसके पीड़ितों की एक बड़ी संख्या की पहचान कभी नहीं हो पाई। 21 अक्टूबर 1996 को सिथोल का मुकदमा शुरू हुआ। तब तक बढ़ते सबूतों के मुताबिक उसके खिलाफ हत्या के 38, बलात्कार के 40 और डकैती के 6 मामले, कुल 88 आरोप लगाए गए थे, जिसे उसने मानने से मना कर दिया था। जिसके बाद उसके अपराधों का एक क्रोनोलॉजिकल तस्वीर का निर्माण करते हुए प्रोसिक्यूशन ने शुरुआती बलात्कार पीड़ितों से बलात्कार के लिए उसकी सजा से पहले सिथोल के हाथों हुए कष्टों का वर्णन दिया। उसके बाद उनकी एक विस्तृत परीक्षा हुई। मारे गए पीड़ितों में से प्रत्येक के साथ संबंध, कथित नौकरी की पेशकश के बारे में गवाही के साथ और विशिष्ट तकनीकें जो उनके पीड़ितों को उनकी मौत के लिए लुभाती थी का मिलान किया गया। सिथोल पूरे समय शांत दिखाई दिया। 3 दिसंबर 1996 को प्रोसिक्यूशन ने एक वीडियो पेश किया जिसे सिथोल के शुरुआती कैद के दौरान शूट किया गया, जिसमें सिथोल ने खुलकर 29 हत्याओं को स्वीकार किया था। वह कुछ विस्तार से अपनी तकनीक का उस वीडियो में वर्णन करता है। हालांकि उस वीडियो के मुताबिक उसका दावा है कि उसने जुलाई 1995 में ही हत्या करना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि वो सबसे बदला ले रहा है क्योंकि उसके पहले कुछ रेप विक्टिम में से एक बुइसावा डॉरिस सोकामिसा थी, जिसने उसे पहली बार जेल भिजवाया था। जेल से छूटने पर वह सबसे उसका ही बदला ले रहा था। डॉरिस उन विक्टिम में से थी जो उसने जेल जाने से पहले अंजाम दिए थे। हुआ यूँ कि उसने डॉरिस को एक डेस्क जॉब देने की बात कही। डॉरिस को जॉब की ज़रूरत थी और वो उसके लोभ में आ गई। उसने उसे अपने ऑफिस ले जाने की बात कही और साथ में लेके जाने लगा। जाते वक्त उसने आम रास्ता छोड़ के जंगल का रास्ता लिया, जिस पर डॉरिस ने पूछा कि ये कैसा रास्ता है, जिस पर उसने उसे ये बताया कि यह शॉर्टकट है। फिर जैसे ही सुनसान जगह आया, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे पंगा दिखाकर धमका के छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद डॉरिस को सिथोल उसके नए काम की जगह के बाहर दिखा। उसने फौरन पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद उसे पहली बार 6 साल की सज़ा सुनाई गई। यहीं से उसने डॉरिस को अपनी जेल की सज़ा के लिए दोषी मानने लगा। जब वो अपनी पहली जेल की सज़ा काट रहा था, तभी साथी कैदियों ने वीडियो बनाया था जिसके बारे में उसे पता नहीं था, और यही कारण था कि जेल की कोठरी में अवैध रूप से दर्ज इस टेप की स्वीकृति की वैधता के कारण मुकदमे में 29 जनवरी 1997 तक देरी हुई और इससे संबंधित तकनीकी मुद्दों के साथ साथ सिथोल के मूल कबूलनामे के कारण मुकदमा 29 जनवरी तक खिंच गया। जुलाई 1997, जब न्यायाधीश ने आखिरकार फैसला सुनाया कि सबूत स्वीकार है, प्रोसिक्यूशन पक्ष ने 15 अगस्त 1997 को अपने मामले को शांत कर दिया। डिफेंस पक्ष काफ़ी हद तक सिथोल की हत्याओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार पर निर्भर था। उसकी गवाही 4 दिसंबर 1997 को ली गई। मामला शुरू होने से 1 साल के अधिक समय बाद मोसे सिथोल को सभी आरोप में दोषी पाया गया। फैसले को पढ़ने में 3 घंटे का समय लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सजा को अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
अगली सुबह न्यायाधीश ने यह कहते हुए बयान दिया कि अपराधों की घृणित प्रकृति को देखते हुए उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती सिथोल को मौत की सज़ा सुनाने में। हालांकि 1995 में दक्षिण अफ्रीका में मौत की सज़ा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। सिथोल को 2410 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें कम से कम 930 साल की पेरोल की कोई संभावना नहीं थी। स्पष्ट रूप से सज़ा का मतलब सिथोल का जीवन भर सलाखों के पीछे रहना था। यह ज्ञात नहीं कि सिथोल ने अपना पहला जुर्म कब किया था, लेकिन उसके साथ बलात्कार की पहली दर्ज घटना सितंबर 1987 में हुई थी, जिसमें 29 वर्षीय पैट्रिका खुमोलो शामिल थी, जिसने 1996 में परीक्षण में भी गवाही दी थी। तीन अन्य ज्ञात बलात्कार पीड़िताएँ सामने आईं, जिनमें डॉरिस भी शामिल थी, जिन पर फरवरी 1989 में हमला किया गया था। उन्होंने उस समय एक पुलिस रिपोर्ट दी, जिसके परिणाम स्वरूप सिथोल को गिरफ्तारी और मुकदमा चला था। उसे 1989 में 6 साल के लिए बॉक्सबर्ग जेल में डाल दिया गया था। सिथोल ने मुकदमे के दौरान अपनी बेगुनाही बनाए रखी और अच्छे व्यवहार के लिए 1993 में जल्दी रिहा कर दिया गया। शायद सिथोल ने जेल में अपने समय में एक सबक सीखा कि बलात्कार पीड़ितों को जीवित छोड़ देने के परिणाम में जेल हो सकता है। यह ज्ञात नहीं है कि रिहा होने के तुरंत बाद उसने कब अपने बलात्कार और हत्या की होड़ शुरू कर दी थी, लेकिन जनवरी और अप्रैल 1995 की अवधि में प्रिटोरिया के पश्चिम में एट्रीजिवेल में युवा अश्वेत महिलाओं के 4 शव मिले, जिनका गला घोट दिया गया था और शायद बलात्कार भी किया गया था। इसने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने क्रूरता और मौत की एक भयानक लीला का खुलासा किया। जब समाचार पत्रों को प्रत्येक पीड़ित की हत्या के तौर तरीके में समानता के बारे में पता चला, तब जाके पुलिस को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्षेत्र में एक सीरियल किलर सक्रिय है। जब पीड़ितों में से एक के 2 वर्षीय बेटे का शव भी मिला, तो इसने मीडिया कवरेज को और बढ़ावा दिया, लेकिन हिंसा से प्रभावित समाज में मीडिया के भीतर दिलचस्पी अपेक्षाकृत कम ही रहती है। हालांकि अगले कुछ महीने में प्रिटोरिया के आसपास के क्षेत्र में शवों की संख्या बढ़ने लगी। सभी हत्याएं में लगभग एक ही पैटर्न था, सबका रेप किया गया था और सभी को गला घोटकर मार दिया गया था। 17 जुलाई 1995 को एक गवाह ने सिथोल को एक युवती के साथ संदिग्ध रूप में देखा। जब वह नज़दीक जाके देखा तो सिथोल वहां से भाग गया था और वहां लड़की की लाश पड़ी थी। दुर्भाग्य से गवाह हत्यारे को पहचान करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह बहुत दूर खड़ा था। प्रिटोरिया मर्डर एंड रॉबरी यूनिट के भीतर एक विशेष जांच दल की स्थापना की गई। यह स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया कि क्या शव एक निश्चित पैटर्न के अनुरूप थे, लेकिन हमले का तरीका इस हद तक भिन्न था कि यह निश्चित रूप से कहना असंभव था कि एक ही हत्यारा सारे कत्ल का जिम्मेदार है। इसी बीच पता चला कि महत्वपूर्ण मामलों में पीड़ित किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसने उन्हें रोजगार देने का वादा किया था। 16 सितंबर 1995 को बॉक्सबर्ग के पास वैन डायक खदान में एक शव मिला। आगे की जांच में सामूहिक कब्रों का पता चला। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने अगले 48 घंटों में अलग अलग जगह से 10 शव बरामद किए। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान मीडिया का ध्यान गहन था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भयानक खोजों के दृश्य का दौरा किया। मीडिया कवरेज के साथ साथ सार्वजनिक चिंता बढ़ गई और स्थानीय अधिकारियों ने सेवानिवृत्त FBI प्रोफाइलर रॉबर्ट रसलर से बाहरी मदद मांगी, जो 23 सितंबर 1995 को पहुंचे। उन्होंने सीरियल किलर की प्रोफाइल के विकास में सहायता की। सिथोल को प्रिटोरिया सेंट्रल जेल के अधिकतम सुरक्षा खंड में कैद किया गया था, जो दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च सुरक्षा सेल्स बॉक्स है, जिसे CMAX के नाम से जाना जाता है। विडम्बना यह है कि जेल में उसकी HIV स्थिति के लिए चिकित्सा उपचार औसत दक्षिण अफ्रीकी नागरिक के लिए उपलब्ध किसी भी उपचार से कहीं अधिक है, और जेल में रहते हुए भी उसे लंबे समय तक जीवन प्रदान कर सकता है।